Students, welcome to you all to the Bishop Academy online classes. Today we discuss about the statics for economics and economy. Economics. This class is for 11th, and our first topic is introduction. हम आज introduction करेंगे economics के बारे में, जिसमें statics का जो first part है हमारा उसके बारे में. Normally अगर देखें इस chapter को हम जब study करेंगे तो हमको मिलने वाला क्या क्या है. Introduction में हम ये जानेंगे कि economics क्या होती है, क्यों economy की हम बात करते हैं. इकोनॉमिक एजेंट यानी इकोनॉमिक यूनिट्स क्या होती है उसके बारे में, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है. इंट्रोडक्शन स्टैटिक्स का करेंगे, साथ ही साथ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स इसके बारे में समझेंगे, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमी एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे इस पूरे चैप्टर में. तो आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक, व्हाई इकोनॉमिक्स. अगर हम इकोनॉमिक्स क्यों इकोनॉमिक्स की बात करते हैं भाई, तो सबसे बड़ा रीजन क्या है, सपोज यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस और वांट टू वर्क फॉर अ मल्टीनेशनल ऑफ द इकोनॉमिक्स बिकम द इम्पॉर्टेंट एज इट वाज द प्रोवाइड यू नॉलेज अंडरस्टैंडिंग स्किल एंड क्रिटिकल थिंकिंग विच इज रिक्वायर्ड टू सक्सेस. अगर नॉर्मली इस पूरे स्टेटमेंट की बात करें तो अगर यहाँ पे जो से लिखा गया कि मान लीजिए आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और मल्टी लेवल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बड़ी नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है. और इकोनॉमिक्स क्या करता है, ऐसे नॉलेज को क्रिएट करने का काम करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, आपकी स्किल को बढ़ाता है, साथ ही साथ क्रिटिकल थिंकिंग को भी जनरेट करने का काम करता है, जिससे आप अपने बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं. आफ्टर दैट हम कह रहे हैं बाय स्टडिंग द इकोनॉमिक्स वी आर एबल टू डेवलप द वैल्यू ऑफ द लाइफ लॉन्ग स्किल लाइक अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक एंड थ्योरीज प्रिंसिपल्स. अगर हम बात करें तो हम इकोनॉमिक्स को जब पढ़ेंगे तो हमारे पास लाइफ लॉन्ग क्या होता है, जो वैल्यूएबल स्किल्स होती हैं वो डेवलप्ड होती हैं, जिसमें एक चीज़ एग्जांपल के रूप में कि इकोनॉमिकल थ्योरीज के बारे में हम समझ सकते हैं, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में समझ सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि वो कैसे क्या स्टडी किया जाता है, क्या होना चाहिए, कैसे हम कोई स्टेप लें, इसके बारे में समझ सकते हैं. कहता है एबिलिटी टू अप्लाई द इकोनॉमिक्स टूल्स रियल वर्ल्ड सिचुएशंस. आज की बात करें अगर तो हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि हमारा पूरा इन्वायरमेंट डायनेमिक इन्वायरमेंट होता है, यानी पूरी तरीके से ये बदलता रहता है, चेंजेस रोज आते रहते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं, तो उस बदलाव को समझने के लिए हम इकोनॉमिक्स को यूज कर सकते हैं और पूरे वर्ल्ड के सिचुएशन की. तो एबिलिटी टू डिस्कस एनालिसिस बिटवीन द फैक्ट एंड द पर्सनल जजमेंट इन द रियल इकोनॉमिक इश्यूज. अगर हम देखें तो ये हमें इस लायक भी बनाता है कि वास्तविकता क्या है और रियल जजमेंट क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को भी जनरेट करने का एक एलिजिबिलिटी हमारे पास जनरेट करता है अगर हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं. देन आफ्टर अगर हम बात करें एबिलिटी टू मेक द ग्रेटर पार्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन डे टू डे लाइफ. जब हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो ये क्या करता है, हमें एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है डिसीजन को बनाने में डे टू डे लाइफ में, यानी हम बिजनेस की जो लाइफ हमारी होती है उसमें जितने भी बदलाव होते हैं उसको प्रॉपरली मेंटेन करने में क्या करता है, हमें एबिलिटीज प्रोवाइड करने का काम करता है. अगर हम बात करते हैं एबिलिटी टू यूज एंड इंटरप्रेट द बेसिक इकोनॉमिक डाटा, अगर हम इकोनॉमिक इंट्रोडक्शन की ही बात कर रहे हैं तो उसमें अगर हम इकोनॉमी को पढ़ते हैं तो हमको ये इस लायक बनाता है कि जो इकोनॉमिकल सिचुएशंस होती हैं, जो अवेलेबल डेटा है, हम उसको बेसिकली अंडरस्टैंड कर सकें. इस तरीके से अगर देखा जाए द वर्ड ऑफ इकोनॉमी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. इकोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं तो ये ग्रीक वर्ड से जनरेटेड, जिसे ओकोस बोलते हैं, और उसका मतलब होता है द हाउस होल्ड, इसका मतलब होता है हाउस होल्ड. और इसके साथ साथ कहता है द नेमिंस मीन्स द मैंगोज. इकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नेमिंस का मतलब होता है मैंगोज. दस अगर हम इस तरह से अगर बात करते हैं तो वर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स यूज टू द हाउस मैनेजमेंट. ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए इसको. नॉर्मली द वर्ड इकोनॉमिक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. वर्ड जो इकोनॉमिक्स का वर्ड होता है वो ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेटेड होता है, और इसका जो इकोस और नेमिस से बनके जनता है. इकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नेमिस का मतलब होता है मैनेज करने से. इस तरीके से अगर देखें तो इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग निकल के आता है वो हाउस होल्ड को मैनेजमेंट मैनेज करने से होता है. अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक एज अ एजेंट या फिर इकोनॉमिक यूनिट्स की बात करते हैं, इकोनॉमी एक एजेंट के रूप में, तो कहता है इकोनॉमिक्स एजेंट रेफर्स टू दोज इंडिविजुअल्स और द इंस्टीट्यूशंस विच टेक द इकोनॉमिक डिसीजन. इकोनॉमिक एजेंट की अगर बात करें तो ये ऐसे व्यक्ति लोगों की बात करता है या ऐसे इंस्टीट्यूशंस की बात करता है जो क्या करते हैं, डिसीजन को लेने का काम करते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ कैसे हो रही है. दे कैन बी कंज्यूमर्स हु डिसाइड व्हाट एंड हाउ मच टू कंज्यूम. वो कंज्यूमर भी हो सकता है,
जो ये डिसाइड करता है कि मुझे क्या कंज्यूम करना है और कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करना है। दूसरी चीज, दे मे बी प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हु डिसाइड व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। वो प्रोड्यूसर भी हो सकता है कि वो डिसाइड करता है कि उसको कितना और कैसी किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है और क्या प्रोड्यूस करना है। दे मे बी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अ गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, कॉरपोरेशन, बैंक्स विच ऑल्सो टेक अ डिफरेंट इकोनॉमिक डिसीजन। और वो ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है जो अलग अलग तरीके के इकोनॉमिक डिसीजन को लेने का काम करता है, उसमें इंडस्ट्री, कॉरपोरेशन, बैंक्स और हमारे गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। यानी कि इस तरीके से देखा जाए तो हमारे जो एजेंट्स होते हैं उसमें हमारा कंज्यूमर भी आता है, प्रोड्यूसर भी आता है और अलग तरीके के जो इंस्टीट्यूशन हैं वो सारे के सारे एज अ इकोनॉमिक एजेंट के रूप में काम करते हैं। नाउ यहाँ पे देख लेते हैं, एक ग्राफ आपके सामने है, इकोनॉमिक एजेंट लिखा हुआ है। इकोनॉमिक एजेंट की अगर बात करें तो पहला कंज्यूमर, दूसरा प्रोड्यूसर, तीसरा सेलर, चौथा सर्विस होल्डर्स और पांचवा भी सर्विस प्रोवाइडर। अगर हम इसकी बात करें कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर बाय द गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाइज हिज वॉन्ट्स। कंज्यूमर वो व्यक्ति होता है जो अपने गुड्स, अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करने का काम करता है। प्रोड्यूसर क्या होता है? प्रोड्यूसर वो होता है जो इनकम को जनरेट करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को सेल करने का काम करता है। सेलर कौन होता है? फिर से प्रोड्यूसर की बात करें तो वन हु प्रोड्यूस द गुड्स टू जनरेट द इनकम। प्रोड्यूसर वो होता है जो गुड्स को इनकम को जनरेट करने के पर्पस पे करता है। एंड सेलर कौन होता है? हु सेल द गुड्स टू मेक अ प्रॉफिट। सेलर वो होता है जो क्या करता है? प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए गुड्स को सेल करने का काम करता है। अगर हम सर्विस होल्डर्स की बात करें तो सर्विस होल्डर कौन होता है? वो पर्सन होता है जो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करके पेमेंट को रिसीव करने का काम करता है। नॉर्मली द हु वन हु वर्क सम अदर पर्संस एंड गेट पेड फॉर इट। कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के लिए काम करता है और उसके लिए पेमेंट रिसीव करता है वो सर्विस होल्डर होता है। और सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? सर्विस प्रोवाइडर द सम काइंड्स ऑफ द सर्विसेज टू अदर्स फॉर द पेमेंट्स। ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स लोग, ऐसे लोग जो दूसरों को क्या करते हैं, कुछ पेमेंट के लिए सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे लॉयर, डॉक्टर, टीचर, ये सारे के सारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो अगर देखें तो ये सारे के सारे क्या है? इकोनॉमिक एजेंट है। कहीं ना कहीं इनका जो स्टेप्स होता है इकोनॉमिकली होता है। अगर हम बात करते हैं अब अगले टॉपिक की, तो हमारा अगला टॉपिक है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखिए, कोई भी एक्टिविटीज़ अगर हम आज के लाइफ में करते हैं तो या तो उसका कहीं ना कहीं पैसे से रिलेशनशिप होता है या तो फिर हमारे सेटिस्फैक्शन से होता है। जब हम बात करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है, पहला इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पैसे के लिए किया जाता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होता है सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन टू अर्न द लिविंग्स और द एक्टिविटीज़ विच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी वो एक्टिविटी जिसको हम मनी के लिए करते हैं, मनी को अर्न करने के लिए करते हैं, या जिसका ऑब्जेक्टिव ही होता है पैसे को कमाना, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे एक सेल्समैन क्या करता है? सामान को बेचता है, पैसे लेता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल है टीचर वर्किंग इन स्कूल। एक टीचर क्या करता है? स्कूल में काम करता है तो उसके लिए उसको सैलरी मिलती है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। अ वर्कर वर्किंग इन अ कंपनी। एक वर्कर कंपनी में अगर काम करता है तो उसके लिए उसको सैलरी मिलती है, वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। द सेलर सेलिंग द प्रोडक्ट्स फॉर हिज इन हिज शॉप एंड द डॉक्टर्स अटेंडिंग द पेशेंट इन हिज प्राइवेट क्लिनिक। तो ये सभी लोग जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्योंकि इनको इस एक्टिविटीज के करने के बदले पैसे मिलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडरटेकन इन इकोनॉमी आर क्लासिफाइड अंडर। अब ये क्या क्या क्लासिफाइड होता है? प्रोडक्शन सेगमेंट। प्रोडक्शन सेगमेंट में क्या होता है? प्रोडक्शन मे बी डिफाइंड एज अ सर्टेन ऑफ द यूटिलिटी ऑफ यूटिलिटी इन अ कमोडिटी। इन अदर वर्ड्स द ट्रांसफॉर्मेशन इनपुट इनटू द आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। देखिए, प्रोडक्शन की अगर बात करें तो हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को यूज करके उसको फिनिश गुड्स तक लेके आते हैं। यानी कि किसी भी प्रोसीजर्स को अप्लाई करके हम क्या करते हैं? किसी प्रोडक्ट की यूटिलिटी को जब बढ़ाते हैं तो वो क्या होता है? हमारा प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन एक सेगमेंट आता है जो हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए करते हैं। नॉर्मली कहता है प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स। प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट अगर देखें, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसके बारे में तो आप लोगों को पहले से ही पता है कि लैंड, लेबर,
एंटरप्रेन्योरशिप और कैपिटल जो होता है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इनके होने पे ही हम किसी प्रोडक्शन को मेंटेन कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कंजप्शंस। तो आपको पता है कंजप्शन यानी कि जो हम कंज्यूम करते हैं, तो नॉर्मली इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होता है, यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और द प्रोडक्ट टू सेटिस्फाइज द ह्यूमन वॉन्ट्स एंड नीड, इट्स कॉल्ड द कंजप्शंस। अगर हम बात करें कि किसी गुड्स को हम यूज करते हैं अपने सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करने के लिए, तो वो हमारा कंजप्शन कहलाता है। इसमें देखा था, इन अदर वर्ड्स इट इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप द यूटिलिटी वैल्यू ऑफ द कमोडिटीज फॉर द सेटिस्फाइंग ऑफ द ह्यूमन वॉन्ट्स। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हम अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए यूज करते हैं, अपनी सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं, तो वो हमारे लिए कंजप्शन का एक सेगमेंट होता है। या कोई ह्यूमन बींग अगर करता है तो वो कंज्यूमर हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए इनकम जनरेटेड अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड द प्रॉफिट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी रखा हुआ है। अगर हम देखें तो हम लेबर को क्या देते हैं, वेज देते हैं, तो हम इनकम को क्या करते हैं, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लैंड रेंट पे करते हैं, कैपिटल में इंटरेस्ट पे करते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है एंटरप्राइजेस को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो ये सारे के सारे टर्म्स ऑफ मनी होते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सचेंज की, बात करते हैं प्रोसेस विच इज कंसर्न विद द सेल एंड परचेज ऑफ अ कमोडिटीज इज कॉल्ड एक्सचेंज। अगर ऐसे प्रोसेस की बात करें जहां पे हम खरीदने बेचने का काम करते हैं किसी भी कमोडिटीज को, तो वो एक्सचेंज होता है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो कैपिटल ऑफ फॉर्मेशन और द प्रोडक्शन ऑफ अ कैपिटल गुड्स फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अगर हम बात करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जहाँ पे हम कैपिटल को जनरेट करने का काम करते हैं, पूंजी जनरेट करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, मशीन बनाते हैं, तो मशीन हर कोई इस्तेमाल नहीं करता, अगर बड़ी मशीनें होती है तो किसी न किसी इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल होती है। तो जैसे यहाँ पे लाइन कहा भी है, प्रोडक्शन ऑफ अ कैपिटल गुड्स फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, ऐसे गुड्स जिनका इस्तेमाल हम क्या करते हैं दूसरी बार, या दूसरे लोग क्या करते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए करते हैं, यानी उससे वो दूसरे सामान बनाते हैं और या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे गुड्स हमारे लिए क्या कहलाते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी एक्टिविटी जो पैसे के लिए की जाती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक इसी तरीके से कोई भी एक्टिविटी जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती है, जिसमें पैसे को अर्न करना कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। जैसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट कंसर्न विद क्रिएशन ऑफ मनी, मतलब इसका कोई रिलेशनशिप मनी से नहीं होता, मनी के लिए नहीं किया जाता। फिर कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म आउट ऑफ लव, सिंपैथी एक्सेट्रा। अगर देखें तो जो हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो हम लव के लिए, ठीक है, सिंपैथी के लिए जनरेट करते हैं, यानी कि हम सहानुभूति वगैरह के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो सोशल एक्टिविटीज, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन आप अटेंड कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, क्योंकि वहाँ से हमें कुछ मिलने वाला नहीं, हम इकोनॉमिकली नहीं करते हैं। रिलीजियस एक्टिविटीज़ की बात करें, अगर वर्शिप के लिए जाते हैं, कहीं प्रार्थना करने जाते हैं, कुछ डोनेशन करके आते हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती है। अब हम बात कर लेते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है आपका। फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी सब्जेक्ट इट इज़ नेसेसरी टू डिफाइन इट एज द क्लोज एज पॉसिबल। किसी भी सब्जेक्ट को समझने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजली डिफाइन करने का काम किया जाए। अ गुड्स डिफाइंड, अ गुड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स शुड बी एबल टू डिस्क्राइब द सब्जेक्ट मैटर इन द प्रीसियस मैनर्स। अगर देखें तो नॉर्मली हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में बहुत बड़े डेफिनेशन को हम जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन हमारी इकोनॉमी को अलग अलग टाइम पे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया। अगर देखें डेफिनेशन की बात करें तो ये हमारे फोर सेगमेंट की तरफ आए, फोर फैक्टर्स मैटर आए हमारे पास। कैसा, पहला वेल्थ डेफिनेशन के रूप में इसको देखा गया, यानी कि एडम स्मिथ जो रहे उस समय के इकोनॉमिक्स, उन्होंने माना कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ। फिर अल्फ्रेड मार्शल आए, उन्होंने माना नहीं, इट्स नॉट अ स्टडी ऑफ वेल्थ, इट्स अ स्टडी ऑफ वेलफेयर। फिर हमारे रॉबिन्सन आए, उन्होंने स्कार्सिटी की बात की, और सैमुएलसन आए, उन्होंने ग्रोथ की डेफिनेशन दी। तो अलग अलग टाइम में हमारे जो इकोनॉमिस्ट रहे उन्होंने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने का काम किया। डियर स्टूडेंट्स, फॉर टुडे दैट्स ऑल, थैंक यू।